हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको जो आपकी राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है उसका जो है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करके बताएंगे, जो कि आपके फैजाबाद यानी कि अयोध्या की यूनिवर्सिटी है। तो उसके चलिए हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड करके बताते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल में आना है और यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको सर्च कर लेना है। तो यहाँ से सर्च कर लेते हैं RMLAU, जिसका कि राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का यह शॉर्टकट है। तो इसको अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर जो सबसे पहली वेबसाइट आपको दिख रही है RMLAU, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह वेबसाइट कुछ इस तरह से खुल जाएगी। और यह वेबसाइट जब इस तरह से खुल जाएगी तो इसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए यहाँ से आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से जब आपको ऑप्शन देखने को मिले तो उसी में आपको यहाँ से नीचे आ जाना है। और यहाँ से जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर डिग्री प्रोविजनल माइग्रेशन। तो यहाँ किनारे साइड में देखिए, यह आपको दिख रहा है कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर डिग्री प्रोविजनल एंड माइग्रेशन। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे कि ऑनलाइन अप्लीकेशन डिग्री एंड माइग्रेशन, तो कुछ इस तरह से यह ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर आपको लिखा दिखेगा कि वर्ष 2014 से 2022 के मध्य स्नातक एवं परा स्नातक पास छात्रों का प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु। तो यहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना है। तो यहाँ पर जो क्लिक टू प्रोसीड लिखा है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यह ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई है, तो इसको आप एक बार जो है कि इसको डाउनलोड करने से पहले जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश लिखा गया है, तो इसको आप पढ़ करके उसके पश्चात ही जो है कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है तो उसके लिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, तो यह डिटेल्स आपको फिल करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से जो है कि आपको कोर्स डिटेल्स फिल कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आपको अपना, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट करिएगा, अंडर ग्रेजुएट है तो अंडर ग्रेजुएट आप सिलेक्ट करिएगा। तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद अगला ऑप्शन आपको आएगा क्लास का, कि किस क्लास के स्टूडेंट हैं, बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएड किए हैं, बीपीई किए हैं। तो यहाँ से आप जो भी कोर्स किए हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको आ जाएगा अप्लाइंग फॉर, मतलब यहाँ पर आपको प्रोविजनल चाहिए कि माइग्रेशन चाहिए। तो यहाँ पर जो है कि आपको माइग्रेशन चाहिए, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर आप क्लिक कर दीजिए। जब आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ से आपसे पासिंग ईयर पूछेगा। तो यहाँ से जो है कि आप अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर दीजिए, 2021 है तो 21, 22 है तो 22। तो यहाँ से चलिए हम 22 सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपका रोल नंबर पूछा जाएगा, रोल नंबर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर आप ज़रूर सही भरिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर पर आपका सब कुछ कन्फर्मेशन वगैरह आएगा। तो इसलिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप अच्छे से भरिएगा, और रोल नंबर तो इम्पॉर्टेंट है ही, रोल नंबर भी आप सही ही भरिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपका चार्जेबल फीस दिया है, 200 रुपये आपके चार्ज करेंगे अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और चीज़ लिखा गया है कि भाग एक और दो का विषय जिसे भाग तीन में नहीं चुना गया है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मतलब जैसे आप जो
तीसरे साल में छोड़े हैं सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आप छोड़े हैं। तो यह सब आप जब सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है कि इस वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएंगे और जो है कि उसके बाद कुछ और डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, उसको आपको फिलअप कर देना है। और जब आप सब कुछ फिलअप कर देंगे तो उसके बाद लास्ट में आपसे पेमेंट के लिए किया जाएगा ऑप्शन आएगा। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वह डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो अवध की यूनिवर्सिटी है राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, उसके जो है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट को इस तरह से बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।